बेल्ट वाला ब्लाउज है, मगर मैंने ये स्लीव्स की बनाई है। आप स्लीव्स की देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से बनी है। ये वाली देखिए, बहुत अच्छी पफ वाली बाजू बनी है फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं ये मैंने कैसे बनाई है। क्या करना है फ्रेंड्स, ये मैंने फोर फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, टू और ये टू है, ये फोर फोल्ड कर लेना है फ्रेंड्स। और जो हमारे नॉर्मल स्लीव्स होती है, जितना आपको पफ चाहिए यानी कि जितनी आपको चुन्नटे चाहिए, प्लेटें चाहिए, उतना ही आपको कपड़ा एक्स्ट्रा रखना होगा फ्रेंड्स। इसके लिए ये देखना है, 5 आ रहा है फ्रेंड्स, तो मैं 5.5 पे निशान लगा लूँगी। और जो मेरा आगे फोल्ड करने वाला है वो इसमें नहीं होता है, इसमें या तो पट्टी लगाते हैं और होता है तो फिर या इलास्टिक लगाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, मुझे इसमें थोड़े ही पफ चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये देखिए नॉर्मल ब्लाउज़ है, ज़्यादा डिज़ाइन वाला नहीं है इस, मगर ये थोड़ा पफ वाली बाजू बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये ले लेंगे। और इधर से मैंने सिर्फ 2 इंची एक्स्ट्रा, क्योंकि ये कपड़ा इतना ही है, तो मैंने 2 इंची एक्स्ट्रा रखा है फ्रेंड्स स्लीव से, क्योंकि इसकी जो है वो ये देखिए 35 यहाँ होता है, और इससे मुझे 2 इंची एक्स्ट्रा ये मिल गया है कपड़ा। ये देखिए, यहाँ मेरा 35 होता है और 2 इंची एक्स्ट्रा है, इसी में ही हमारा वो हो जाएगा। तो मैं इधर से क्या करूँगी फ्रेंड्स, 1 इंची और एक्स्ट्रा इधर से ले लूँगी। उससे क्या होगा कि हमारा 1 इंची एक्स्ट्रा लेने से उससे भी हमारी प्लेटों का बहुत फर्क पड़ता है फ्रेंड्स। तो जो हम यहाँ से मैंने 1 इंची लिया है, तो आप यहाँ भी 1 इंची का निशान लगाएंगे, देखिए इस टाइप से, क्योंकि वो मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और उसके बाद इधर से हमको जो ये निशान लगाना है वो इधर से लगाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, तो यहाँ मैं सिर्फ सिलाई का मार्जिन इतना ही छोड़ूंगी और इसको मैं यहाँ तक दे दूंगी, क्योंकि कपड़ा कम है। तो ये देखिए, ये मेरा जितना यहाँ से यहाँ तक टोटल आता है उसका हम हाफ कर लेते हैं, तो ये मेरा 9 आ गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ मेरा 9 में 4.5 हो जाएगा, 4.5। और यहाँ से आप गोलाई कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने 1/2 इंची लिया है फ्रेंड्स गोलाई के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारी गोलाई हो जाएगी, ये देखिए। तो अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं और कैसे पफ वाली बाजू बनानी है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। और इसको हम कटिंग नहीं करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमें इधर से जो हमने 2 इंची का निशान लगाया था फ्रेंड, पहले हम 2 इंची का सेंटर में से निशान लगा लेंगे, जो हमने 2 इंची एक्स्ट्रा रखा था। ये देखिए, ये 2 इंची का मेरा निशान हो गया। और उसके बाद जो हमने यहाँ से कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था वो भी हमारा 2 इंची था। तो इस तरीके से हमारे इतने हिस्से में प्लेटें आएंगी, और दूसरी स्लीव्स पे भी इसी टाइप से निशान लगा लेंगे, नहीं तो सेम नहीं बनेंगी फ्रेंड्स। ये देखिए, ये इसको मैं ऐसे लगा के निशान लगा लेती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, निशान आ गए हैं, अब इनको मैं डार्क कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसे प्लेटें डालनी है देख लेते हैं। अब हम दूसरे स्लीव्स में भी डाल लेंगे फ्रेंड्स, वहाँ से जहाँ से हमारा निशान है। देखिए फ्रेंड्स, दोनों में मेरी प्लेटें डल गई हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आगे भी उसी हिसाब से प्लेटें डाल लेंगे। आगे मतलब इधर जहाँ पर हमारी मोरी आएगी। ये देखिए, दोनों में मैं डाल के दिखाती हूँ अभी।
देखिए फ्रेंड्स, अब हम नीचे जो प्लेटें डालेंगे उसका देखिए, दोनों का जो मुंह है वो इस एक के साइड होना चाहिए। ये प्लेट अगर उस साइड है तो उस साइड डालेंगे, और इस साइड है तो ये मेरी इस साइड है तो मैं इस साइड ही ये वाली भी डालूंगी। इसका थोड़ा ध्यान रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी प्लेटें डल गई हैं। अभी इनके ऊपर प्रेस करेंगे, तो ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ प्रेस करके भी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी नीचे की जो पट्टी लगाएंगे वो है, तो मेरी 5.5 के करीब मोरी है। तो ये देखिए 5.5 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए, 1 इंची भी एक्स्ट्रा हुआ तो चलता है। ये देखिए मेरी ज़्यादा 2 इंच के करीब एक्स्ट्रा है फ्रेंड्स। ये देखिए ध्यान से, ये 7.5 है, और इधर से हमें 2 इंच के करीब रखनी होगी। ये देखिए 2 से भी ऊपर ही है फ्रेंड्स, 2.5 इंच के करीब है, क्योंकि आधा आधा इंच ही दोनों तरफ फोल्ड होगी, तो 1 इंच के करीब रेडी हो जाएगी फ्रेंड्स। अब हम इसको कट कर लेंगे, साथ में इसको अटैच कर देंगे स्लीव्स को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अटैच कर ली है। ये देखिए, ये हमारी इस टाइप से बन जाएगी। ये देखिए, अभी मैं आपको पूरी सिल कर दिखाती हूँ इस टाइप से। अब हम दूसरी भी इसी टाइप से लगा लेंगे फ्रेंड्स।